हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मोडो एवीएस 2.0। आज मेरे साथ खड़ी है हीरो की फुल इलेक्ट्रिक बाइक, द हीरो की लेजेंडरी वीडा। ये स्टार्ट होती है 1,45,900 एक शोरूम से। सो मैं आ चुका हूँ फिर से मोको ऑटो राइडर्स वागोली पुणे में हीरो की वीडा रिकॉर्ड करने के लिए। सबसे पहले आते हैं इसके फ्रंट में, तो सेव मदर अर्थ के फॉर्म में आपको कुछ LED हेडलाइट्स विद LED DRS देखने के लिए मिलने वाले हैं। LED इंडिकेटर्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। डिस्क ब्रेक जो है फ्रंट का वो होने वाला है बाइबर की तरफ से, और आप देख सकते हो कि इसमें जो है आपको अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाएंगे और 12 इंच के टायर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। फ्रंट में जो है आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएंगे। गाड़ी का वेट जो है वो होने वाला है सिर्फ 125 kg। मैं जाता हूँ बाइक के राइट साइड में, तो यहाँ पे जो है आपको रियर में सिंगल स्प्रिंग का सस्पेंशन देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद में रियर सीट जो है आपका रिमूवेबल होने वाला है। सो, ये जो है इसकी की होने वाली है वायरलेस की होने वाली है अपनी पूरी। तो बूट ओपनिंग के लिए आपको यहाँ पे बटन मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पे जो है आपको फॉलो मी होम का बटन मिल जाता है, और यहाँ पे जो है आपको इंडिकेटर बजर का बटन मिल जाता है। तो आइए देखते हैं इस बाइक का बूट स्पेस। तो सबसे मेन चीज़ जो है ना, इसका बूट बीच से खुलता है ऐसे, और फिर आपको जो है यहाँ पे रिमूवेबल बैटरी देखने के लिए मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो है आप बैटरी को रिमूव कर सकते हो। 10 से 12 किलो का आपका एक बैटरी होने वाला है। ड्यूअल बैटरी के फॉर्म में ये आती है, तो ये जो है कम्प्लीटली रिमूवेबल बैटरी होने वाली है। उसके बाद में यहाँ पे आपको टोटल 36 लीटर का बूट स्पेस मिलने वाला है। यहाँ पे भी एक बूट स्पेस और यहाँ पे भी एक बूट स्पेस। चार्जर भी आपको यहाँ पे इसमें देखने के लिए मिल जाता है। सो पीछे का जो बूट स्पेस है वो काफ़ी बड़ा होने वाला है, आगे का एक छोटा होने वाला है। तो ड्यूअल बूट में आपको 36 लीटर का कंबाइंड कैपेसिटी मिलने वाला है। उसके बाद में आपको यहाँ पे डबल स्टैंड मिल जाता है गाड़ी पे स्टैंडर्ड, और आपको चार्जर भी स्कूटर के साथ आने वाला है। इसको लगते हैं 6 घंटे पूरा चार्ज होने में, बट विदाउट द फास्ट चार्जर। विद द फास्ट चार्जर 0 to 80 जाने में इसे सिर्फ 65 मिनट्स लगते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी एडेड एडवांटेज फॉर द हीरो वीडा। तो आइए इसका बूट जो है बंद कर लेते हैं, और इसका जो रियर सीट है वो पूरा रिमूवेबल है, ये क्लैडिंग भी पूरी निकल जाती है फॉर एक्सपांडेड बूट स्पेस। तो ऐसा कुछ होने वाला है अपना हीरो का वीडा। सो आइए बढ़ते हैं इसके राइट हैंड साइड में। तो राइट में मैं आता हूँ, तो जो है सस्पेंशन जो है इसमें सिंगल स्प्रिंग आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और सीट कंफर्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा और कुशनी सीट होने वाला है यहाँ पे। सो दिस कैरीज द लेगेसी फ्रॉम हीरोज ऑल द बाइक्स, स्प्लेंडर से लेकर एक्सपल्स तक सभी बाइक्स हीरो के पास थे, और अभी ये इलेक्ट्रिक बाइक भी हो गया है। सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल हो गया है इसका, एक्सपल्स जैसा इन्होंने कुछ किया है, मतलब काफ़ी सॉफ्ट है एक्सपल्स, और इसकी सीट में कुछ सिमिलरिटी मुझे दिखती है। सो प्रीमियमनेस इज गेटिंग कैरीड ओवर। उसके बाद में इसमें जो है PMSM मोटर आती है, परमानेंट मैग्नेटिक सिंक मोटर आती है, और इसका जो है ऑटो कट आपको देखने के लिए मिल जाता है चार्जिंग के टाइम पे। अगर आपने रात भर बाइक को चार्जिंग करने के लिए छोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तब ऑटोमेटिकली वो कट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आते हैं रियर में, तो रियर में भी आपको LED टेल लैम्प देखने के लिए मिल जाता है, सेव मदर अर्थ का लोगो जो है इस पर देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद में LED टर्न इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद में आपको रियर में भी डायमंड कट अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाते हैं विद ड्रम ब्रेक्स। इसमें जो है 5 कलर ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। फर्स्ट इज ब्लैक, सेकंड इज व्हाइट, थर्ड इज ऑरेंज, फोर्थ इज रेड, फिफ्थ इज ब्लू। तो दिस इज गोइंग टू बी योर ऑरेंज कलर। उसके बाद मैं अभी आपको बाइक पे बैठ के दिखा देता हूँ कि इसका सीट कंफर्ट जो है वो कैसे होने वाला है। सो ये जो है अपनी हीरो की वीडा होने वाली है, इसको मैंने मेन स्टैंड पे लगा लिया है। अब मैं इस पर बैठने जा रहा हूँ, तो बैठना काफी आसान है इस पे। उसके बाद में मैं राइट लेग जो है ऊपर कर लेता हूँ, तो ऐसा कुछ राइडर्स ट्रायंगल आपको देखने के लिए मिलने वाला है। सीट इज क्वाइट कम्फर्टेबल, आई एम सिटिंग अ बिट अहेड, नाउ आई गो टू नॉर्मल सिटिंग पोजिशन। दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट कम्फर्टेबल फॉर द सिटी एज वेल एज थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस जाने के लिए भी। इसका जो रेंज है वो होने वाला है 115 किलोमीटर्स इन द रियल वर्ल्ड। तो 115 किलोमीटर की ये गाड़ी चलने वाली है, और 115 किलोमीटर जाने के लिए भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। काफ़ी सॉफ्ट है इसका सीट, काफ़ी कुशनी है, एंड दिस गिव्स मी सिमिलर वाइब्स व्हेन आई सिट ऑन द न्यू एक्सपल्स। उसका भी सीट इसी टाइप में कुशनी है। So thumbs up for Hero, a thumbs up for Moco Auto Riders to feature this bike on Moco Auto Riders 2.0। आप भी Moco Auto Riders वागोली में विजिट कर सकते हो, और आपका ड्रीम हीरो का बाइक
एंड आपका जो इलेक्ट्रिक वीडा है यहाँ से बुक कर सकते हो। यहाँ पे सभी बाइक्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, एक्सट्रीम से लेकर एक्सपल्स तक और वीडा से लेकर स्प्लेंडर तक सारी की सारी बाइक्स और स्कूटर्स यहाँ पे आपका अवेलेबल हो जाएंगी। तो प्लीज डू विजिट मोको ऑटो राइडर्स एंड बुक योर ड्रीम हीरो बाइक फ्रॉम हियर। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, तो सामान वामान कैरी करने के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। उसके बाद में मिरर्स के बारे में बात करूँ तो विजिबिलिटी अच्छी है, जो इसके जो मतलब बोल्ड्स है ना वो मुझे एक्सपर्ट्स की याद दिलाते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट फॉर्म ऑन द रोड्स। तो सिटिंग पोस्चर एंड एक्सीलरेशन एंड द ब्रेकिंग इज गोइंग टू बी प्रीमियम। सो मुझे अच्छी लगी ये बाइक ओवरऑल बैठने के बाद। सो अगेन कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो कुछ कार जैसा इन्होंने बना दिया है अभी। सो आपको मिलता है TFT डिस्प्ले, 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये एक ज़माने में लग्जरी हुआ करती थी और सिर्फ कार्स में आती थी, अब ये जो इलेक्ट्रिक बाइक में आने वाली है हीरो की। TFT डिस्प्ले आपको मिल जाता है, डबल बैटरी का जो है अलग अलग परसेंटेज दिखाने वाले, देखिए 74 74 दोनों बैटरी का अलग अलग परसेंटेज दिखा देता है। उसके बाद में मोटर ऑन ऑफ का भी यहाँ पे इंडिकेटर आपको मिल जाता है, ओडोमीटर दिखा देता है आपको यहाँ पे। उसके बाद में जो है आपको रेंज देखने के लिए मिलने वाली 115 की इसकी फुल चार्ज पे रेंज है, 75% पे 85 की रेंज दिखा रहा है ये। उसके बाद में यहाँ पे जो है आपको राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, इको, राइड, स्पोर्ट, 3 मोड्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, इको, राइड, स्पोर्ट्स और कस्टम, चौथा वाला कस्टम, मतलब आपको जो है आप उसके हिसाब से सेट, आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। सो गोइंग हियर, तो यहाँ पे जो है आप कनेक्ट कर सकते हो माई स्कूटर, आपके डॉक्यूमेंट्स, RC बुक और लाइसेंस भी आप इसमें स्टोर कर सकते हो। उसके बाद में ब्राइटनेस भी आप चेंज कर सकते हो, लाइट डार्क थीम आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे डेट एंड टाइम भी आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे मोड्स पे, यहाँ पे जो आपको ओडोमीटर देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे डे दिखा देगा ये आपको। उसके बाद में तो यहाँ पे जो है आपको ट्रिप पे देखने के लिए मिल जाता है, एवरेज स्पीड देखने के लिए मिल जाता है, फिर से ओडोमीटर देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद में ट्रिप भी यहाँ पे दिख जाएगा, एवरेज स्पीड दिख जाएगा, ओडोमीटर यहाँ पे दिख जाएगा। तो काफ़ी अच्छा जो है हीरो ने इसको बनाने की कोशिश की है, एंड आई रियली लाइक दिस टच स्क्रीन, काफ़ी अच्छा और प्रीमियम सा फील दे देता है ये। उसके बाद में यहाँ पे जो है आपको एक USB का चार्जिंग सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है नीचे, तो यहाँ पे जो है आपको USB का चार्जिंग सॉकेट देखने के लिए मिल जाएगा एक। उसके बाद में इस बाइक के अगर मैं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे SOS सिग्नल का एक इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाता है बटन। उसके बाद में यहाँ पे जो है क्रूज कंट्रोल आपको देखने के लिए मिल जाता है, उसके बाद पावर ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स के स्विच, हजार्ड लाइट के स्विच, चारों इंडिकेटर जो है आपके चालू हो जाएंगे इससे। उसके बाद में इसमें आपको रिवर्स गियर भी देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आपको हीरो की वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू विजिट मोको ऑटो राइडर्स। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू मोटो EVS 2.0 प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। तो आइए कंप्लीट करते हैं इस रिव्यू को, मैं अभी आपको कुछ सिनेमैटिक्स दिखा देता हूँ। तो बात करते हैं इसके बैनर के बारे में। सो यू कैन टेस्ट राइड द वीडा टुडे एट मोको ऑटो राइडर्स। उसके बाद में आपको 40+ सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी फीचर्स मिल जाते हैं, 2 रिमूवेबल बैटरीज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, 100+ राइडिंग कॉम्बिनेशंस और 20° इंक्लाइन कैपेसिटी, SOS आपको देखने के लिए मिल जाता है, 5 ईयर्स 50,000 किलोमीटर्स का वारंटी भी आपको स्टैंडर्ड मिल जाता है हीरो की तरफ से। सो लुक एट दैट ब्यूटीफुल लोगो ऑफ वीडा पावर्ड बाय हीरो। तो हीरो का भरोसा ही आपको इस बाइक में मिल रहा है, एंड हीरो का जो ड्यूरेबिलिटी है वो आपको अभी इलेक्ट्रिक में भी आने वाला है। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग मोटो EVS 2.0। सो अभी हम चलाने वाले हैं वीडा को। सो दिस इज हाउ द वीडा इज गोइंग टू, अभी जो है मोटर ऑन का यहाँ पे सिंबल आ चुका है, चालू है का धीरे धीरे अपना जो है, ओ इस पे तो समझता ही नहीं है कि गाड़ी चल रही है, बंद है, वेरी प्रीमियम आवाज भी नहीं है इसमें। तो अभी हम जो है वीडा को चला रहे हैं, वीडा वीडा वीडा, ओ वाओ। काफी स्लिपरी सरफेस पे भी, ओ
पॉटहोल्स में से वाव, कुछ आवाज नहीं, कुछ भी नहीं, एंड दिस इज स्टिल यू नो इट फील्स लाइक आई एम राइडिंग अ ऑफ रोडिंग बाइक वगैरह जैसा कुछ लग रहा है मुझे। काफ़ी अच्छा सस्पेंशन सेटअप है इसका, काफ़ी अच्छा लगता है यार इसे चलाते हुए। अब थोड़े बहुत पॉटहोल्स वाले रास्ते से लेके जाएंगे इसको, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है वीड़ा का। वाव अमेजिंग अमेजिंग है। अब देखते हैं इसे टर्न करना कितना आसान है, टर्न करना भी आसान है इसे तो, समझता ही नहीं यार गाड़ी चल रही है बंद है, इतनी शांत है ये, इतनी शांत है, और ऐसा प्रीमियम टच है इसमें, बहुत अच्छा लगता है इसे चलाते हुए। अब देखते हैं इसका पिकअप कैसा है थोड़ा। ओ यू मस्ट हियर द साउंड ऑफ द मोटर दैट इट गेट्स, टॉकिंग अबाउट द ब्रेकिंग, ब्रेकिंग इज गुड, सीट कम्फर्ट इज गुड, एंड दिस इज गोइंग टू बी माई चॉइस फॉर द सिटी यार, सिटी में चलाना है तो आई वुड प्रिफर दिस ओवर एंड ओवर अगेन। ये था अपना शॉर्ट टेस्ट राइड फॉर द वीड़ा। वाव ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छा है इसका।